नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 6 अप्रैल 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने सीएम सुक्खू को भेजा मानहानि का लीगल नोटिस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस के धर्मशाला से बागी एवं पूर्व विधायक सुधीर शर्मा ने मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में 5 करोड़ रुपए की मानहानि का क्लेम किया गया है, साथ ही कानूनी कार्यवाही के लिए 55,000 रुपए का अतिरिक्त भुगतान करने को कहा गया है। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को ऊना जिले के कुठलैर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा में कहा था कि कांग्रेस के बागी विधायक 15 करोड़ रुपए में बिके है। नोटिस भेजने के बाद सुधीर शर्मा ने एक मीडिया बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री का 15 करोड़ रुपए में बिकने वाला बयान हास्यास्पद है। मुख्यमंत्री कह रहे कि उनके पास इसके सबूत है, यदि सबूत है तो उनको जनता के सामने रखा जाए। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री बोकलाट में ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को अदालत में जवाब देना होगा। उन्हें युवा कांग्रेस के प्रधान की तरह ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता है। अब वे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए हैं। उनको जनता के सामने रख देना चाहिए, सिर्फ मंच से कुछ भी कह देना, वहाँ विधायक को कह दिया कि भुट्टो को भुट्टो, ऐसे जो है वो बातें व्यक्ति बुगलाहट में करता है। और सबूत आपके पास नहीं है, सबूत हमारे पास है और जल्दी ही उनको हम सामने रखेंगे और अदालत में पेश होकर के जवाब देना होगा। ये शोभा नहीं देता एक मुख्यमंत्री को किसी प्रदेश के कि वो कुछ भी कह दे। कांग्रेस के 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लगाई 7 मंत्रियों की ड्यूटी। प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों को लेकर होने वाले उपचुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस ने 7 मंत्रियों की ड्यूटी तय कर दी है। मंत्रियों के साथ सीपीएस विधायकों और जिला व ब्लॉक पदाधिकारियों की फौज भी अटैच की गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला की स्वीकृति के बाद इस संबंध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वी सिंह ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत कृषि मंत्री चंद्र कुमार को धर्मशाला विधानसभा में होने वाले उपचुनाव का प्रभारी नियुक्त किया गया है और उनके साथ सीपीएस आशीष बुटेल, डिप्टी चीफ विहिप केवल सिंह पठानिया, जिला कांग्रेस कमेटी कांगड़ा के अध्यक्ष करण पठानिया और ब्लॉक अध्यक्ष सरभजन चौधरी को अटैच किया गया है। इसी तरह जिला ऊना के गगरेट विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ विधायक मलेंद्र राजन व सुदर्शन बबलू, जिला अध्यक्ष रंजीत राणा और ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र कंवर को अटैच किया गया है। इसी तरह शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह को कोटलायर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रभारी बनाया गया है। दोनों मंत्रियों के साथ वाइस चेयरमैन भवानी सिंह पठानिया, विधायक नीरज नैयर, जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह राणा और कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष विवेक मिंका को अटैच किया गया है। बागवानी एवं विरासत मंत्री जगत सिंह नेगी को लाहौल स्पीति विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का जिम्मा सौंपा गया है। उनके साथ सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर, विधायक भुवनेश्वर गौड़, जिला अध्यक्ष जी ठाकुर, ब्लॉक अध्यक्ष काजा राम सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष केलांग रमेश कुमार और ब्लॉक अध्यक्ष उदयपुर देवी सिंह ठाकुर को अटैच किया गया है। पार्टी ने तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी को बारसर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव का प्रभारी नियुक्त किया है। इसी तरह उनके साथ विधायक संजय रतन, जिला अध्यक्ष सोमन भारती और कार्यकारी अध्यक्ष संजय शर्मा को अटैच किया गया है। इसके साथ ही खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा को सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के होने वाले उपचुनाव का जिम्मा सौंपा गया है। उनके साथ विधायक सुरेश कुमार, जिला अध्यक्ष सोमन भारती और कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा को अटैच किया गया है। दूसरों की जगह परीक्षा देने पर आईएएस अधिकारी निलंबित, कार्मिक विभाग ने तय किया हेडक्वार्टर। वर्ष 2019 बैच हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी नवीन तमर को सरकार की तरफ से निलंबित कर दिया गया है। उनको सीबीआई कोर्ट की तरफ से दूसरे की जगह परीक्षा देने के मामले में दोषी पाया गया है। इस दौरान प्रदेश सचिवालय में कार्मिक विभाग उनका कार्यालय निर्धारित किया गया है। उनके निलंबन संबंधी फाइल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास अनुमति को भेजी गई थी, जिस पर हस्ताक्षर करने के बाद ये निर्णय लिया गया है। निलंबित अधिकारी को तुरंत प्रभाव से सचिवालय में कार्मिक विभाग को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होना पड़ेगा। राजेंद्र राणा बोले, मुख्यमंत्री पर दर्ज किया जाएगा क्रिमिनल व मानहानि का केस। विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर के भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने कहा कि
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना मानसिक संतुलन खो बैठे है। सरकार को चाहिए कि वे मुख्यमंत्री सुक्खू का किसी अच्छे से डॉक्टर से चेकअप करवाए, क्योंकि मुख्यमंत्री अपनी तरफ से मन घड़त आरोप लगा रहे हैं। राजेंद्र राणा ने बताया कि निराधार आरोपों को लेकर वे मुख्यमंत्री पर मानहानि व क्रिमिनल केस दर्ज करेंगे। वहीं बरसर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा है कि कांग्रेस से निष्कासित विधायकों पर जिन शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री ने किया है, जो खरीद फरोख के आरोप लगाए, उनके विरुद्ध सभी निष्कासित विधायक जल्द ही मानहानि का मुकदमा करेंगे। मुझे लगता है कि इनको जो है अपना मानसिक संतुलन जो है वो जो बैलेंस इनका बिगड़ा है उसको डॉक्टर के पास चेक करवाना चाहिए। सबूत हैं तो पब्लिक के बीच में सार्वजनिक करें, और बाकी के सबूत इनके पास हैं तो कोर्ट में पेश करें, और कोर्ट में जाके कल 10 बजे से पहले पहले मुख्यमंत्री के ऊपर हम 9 के 9 विधायक जो है वो नोटिस जो है तैयार है, केस तैयार है, इस मामले को कोर्ट में देखेंगे, मानहानि का भी केस ठोकेंगे, क्रिमिनल केस भी ठोकेंगे, और सिविल जो है वो सूट भी इनके खिलाफ जो है हम लोग दायर करने वाले। महोदय का एक दौरा था बंगाणा में, वहाँ पर जो उन्होंने वक्तव्य दिया मंच के ऊपर से कि 6 विधायकों ने 15-15 करोड़ रुपए लिए, ये सरासर झूठ का पुलिंदा है, और विधायकों को, पूर्व विधायकों को बदनाम करने का एक उनका तौर तरीका है, और ये हम सभी विधायक इनको बता देना चाहते हैं कि जल्द ही इसके ऊपर मानहानि का केस करेंगे और उसके ऊपर जो है कानून के अनुसार जो कार्रवाई की जाएगी। खबर अजपुर से BA BSc और BCom द्वितीय चतुर्थ व छठ सेमेस्टर की फाइनल डेट शीट जा रही है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अजपुर ने स्नातक कक्षाओं BA BSc व BCom द्वितीय चतुर्थ व छठ सेमेस्टर बैच 2016-17 की परीक्षाओं के लिए फाइनल डेट शीट जारी कर दी है। ये परीक्षाएं अप्रैल व मई माह में आयोजित की जाएगी। खबर नगर निगम शिमला से MC शिमला को स्मार्ट सिटी मिशन का बड़ा झटका, प्रोजेक्ट से होने वाली आय में मांगी 25% हिस्सेदारी। नगर निगम शिमला को स्मार्ट सिटी मिशन ने बड़ा झटका दिया है। शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए गए प्रोजेक्टों से होने वाली आय पर स्मार्ट सिटी मिशन ने नगर निगम से 25% की हिस्सेदारी मांगी है। इससे नगर निगम प्रशासन की मुश्किलें बढ़ सकती है। शिमला शहर में 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रोजेक्टों का स्मार्ट सिटी के तहत काम चला हुआ है। इससे कुछ एक प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा प्रोजेक्ट जून तक बनकर तैयार होंगे। ऐसे में नगर निगम को जैसे ही प्रोजेक्ट हैंडओवर होंगे, वैसे ही नगर निगम को इसकी कमाई से 25% हिस्सा स्मार्ट सिटी मिशन को देना होगा। सिलाई में बिजली बोर्ड के कर्मचारी के साथ दर्दनाक हादसा, करंट लगने से मौके पर मौत है। सिरमौर जिले के उपमंडल सिलाई में करंट लगने से बिजली बोर्ड के लाइनमैन की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस इस संदर्भ में केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। ये दर्दनाक हादसा शुक्रवार को रास्ते तांदुक क्षेत्र में सामने आया है। खबर चंबा से खजियार डलोजी मार्ग पर फाड़ी से टकराई निगम की बस, बड़ा हादसा टाला। चंबा जिले में शुक्रवार को खजियार से डलोजी जा रही परिवहन निगम की बस बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई है। ये बस खजियार से डलोजी जाते समय पब्लिक स्कूल से करीब 2 मोड़ आगे पहुंची तो बस के नीचे कुछ टूटने की आवाज आई। इसके आगे बस के आगे के टायर घूम गए, जिससे बस फाड़ी से जा टकराई। गनीमत ये रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई। अगर ये हादसा लक्कड़ मंडी और आहला के बीच होता तो जान माल का नुकसान हो सकता था। CM सुक्खू का बड़ा बयान, बोले सुधीर बागियों के सरगना 15 करोड़ रुपए से मिले होंगे अधिक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को बागी विधायकों और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर एक बार फिर हमला बोला है। नादौर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मशाला के पूर्व विधायक सुधीर शर्मा बागियों के सरगना है, उन्हें 15 करोड़ रुपए से अधिक मिले होंगे। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए 6 पूर्व विधायकों के सभी कारनामे जनता की अदालत में सामने आएंगे। तो अच्छी बात है ना, और चीज़ें भी पता लगेगी, और जो चीज़ है वो तो लोगों के सामने है, और इसमें कौन सी दो राय है। वो तो 15 करोड़ तो विधायकों ने लिए, उनके सरगनों ने ज़्यादा लिए होंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि 14 महीने पहले जो जनता के वोट से चुनकर आते हैं और 14 महीने में जो अपना ईमान बेच देते हैं, अपने को बिकाऊ कर देते हैं,
उन लोगों वो ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, सारे कार्य किए हुए थे उनके, तो कोई ना कोई उसमें धन का तो है। वो तो हम भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमारे पास तथ्य भी आ रहे हैं, तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है। तो वो तो सत्य तो सामने लाना ही पड़ेगा ना जनता की अदालत में। राजनीति में एक बात बड़ी स्पष्टता से होनी चाहिए, राजनीति में हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने अभी जनता से वोट ले लिए हैं और हमारे इतने पैसे खर्च हुए हैं, इन खैसों के अलावा हम अपना वोट बदल दें और उसके बाद हम अपने आप को राजनीतिक मंडी में रोक दें। तो इस प्रकार की जो बात है वो सत्य है, इस पर कोई दो राय नहीं। नवजात के डीएनए टेस्ट के लिए परिजनों को जाना होगा न्यायालय की शरण में। मेडिकल कॉलेज में नवजात की अदला बदली के मामले में नवजात पर दावा करने वाला एक परिवार डीएनए टेस्ट के लिए अब कोर्ट की शरण लेगा। दूसरा परिवार नवजात की अदला बदली होने की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मामला पुलिस के पास भेज दिया गया है। डीएनए टेस्ट के लिए एक पीड़ित परिवार ने भी हामी भरी है, जबकि दूसरा ये मानने को तैयार नहीं है कि नवजात की अदला बदली हुई है। नतीजे स्वास्थ्य विभाग की ओर से अपने स्तर पर जांच कर पुलिस महकमे को भेजे गए। इस मामले में बिना किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज किए पुलिस भी डीएनए टेस्ट करवाने में असमर्थ नजर आ रही है।